नमस्कार। आज अभी हम सोलर सेल के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे जो बिजली प्राप्त करते हैं उसके तरीके देखेंगे। तो ये सोलर पैनल लगाए हुए हैं जिनसे हम बिजली प्राप्त करते हैं। इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है और समानांतर क्रम में जोड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम में जोड़ने से वोल्टेज बढ़ जाते हैं और करंट कम हो जाता है, क्योंकि सोलर पैनल जो है आसमान में, खुले आसमान में लगे हुए, इन पर सूरज की किरणें आती है, इसलिए इसके को अर्थ से जोड़ा हुआ है। अर्थिंग की स्ट्रिप जो है वो लगाई हुई है सब जगह पर। इसके अलावा आकाश से जो बिजली गिरती है वो नुकसान नहीं पहुंचाते, इसके लिए लाइटनिंग अरेस्टर जो है वो वहाँ लगाए हुए हैं। ये जो बिजली इनसे प्राप्त होगी, डीसी बिजली प्राप्त होती है, इसको हम नीचे ले जाएंगे जहाँ हमारे पास में ग्रिड बनाया हुआ है या चार्ज कंट्रोलर लगाया हुआ है, वहाँ हम इसको ले जाके और उस जगह हम इसका देखते हैं किस तरह से प्रयोग करते हैं। अब ये जो ऊपर सोलर से जो डीसी आई है हमारी, वो यहाँ पर आ गई और ये है डीसी सोलर होम सिस्टम। इसमें यहाँ पर जो है, और नज़दीक लो, ये सोलर पैनल से कनेक्शन आए हैं और यहाँ से बैटरी दी गई है। बैटरी नीचे, बैटरी दिखाइए, ये बैटरी लगा रखी है इसके साथ में और ये लोड निकाले हुए हैं। ये डीसी से डायरेक्ट लोड लिया हुआ है जिससे टेलीविज़न, पंखा और लाइट, ये लाइट चलती है और इससे पंखा चलता है। ये डीसी होम सिस्टम का जो है सर्किट डायग्राम है। सोलर पैनल से लाइट आई और ये चार्ज कंट्रोल है, बैटरियां लगी हुई है और इससे ये डीसी लोड लगे हुए हैं। ये जो हाइब्रिड सोलर होम सिस्टम है, इस सिस्टम में सोलर सेल से भी बिजली आती है और एसी मेंस से भी बिजली आती है। और ये इन्वर्टर जो लगाए हुए हैं इसमें, ये सोलर वाली बिजली भी आ जाती है जो ऊपर से आ रही है और एसी मेंस भी आ जाती है, इसके अलावा बैटरियां भी लगी हुई है। तो जब सोलर एनर्जी उपलब्ध है तब तो बैटरी उससे चार्ज होगी और इसके अलावा लोड को भी सप्लाई देगी, और सोलर जब नहीं होगा उस वक्त जो है बैटरी से ले लेगी, और यदि मान लो दिन में कभी छाया पड़ गई उस वक्त ये एसी मेन से बिजली ले लेगी। इस तरह से जो है हमारा सिस्टम चालू रहता है। यहाँ पर हमने दो इन्वर्टर लगाए हुए हैं। ये इन्वर्टर 12 वोल्ट सिस्टम पे काम करता है और नीचे वाला इन्वर्टर 24 वोल्ट के सिस्टम पर काम करता है। 12 वोल्ट का जो इन्वर्टर है इसके लिए यहाँ बैटरी लगाई हुई है। ये बैटरियाँ समानांतर क्रम में जुड़ी हुई है, ये बैटरी प्लस को प्लस से जुड़ी हुई, माइनस को माइनस से जुड़ी हुई है, जबकि 24 वोल्ट का जो इन्वर्टर है इससे बैटरी को सीरीज में जोड़ा हुआ है। यहाँ ये जो कनेक्शन है ये श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। ये जो लाल और काले तार हैं ये सोलर से आ रहे हैं, पीवी मॉड्यूल से आ रहे हैं, और यहाँ जो चार दो तार हैं इससे हम डीसी लोड डायरेक्ट ले सकते हैं जिससे हम एलईडी लाइट चला सकते हैं। ये जो कनेक्शन दिया हुआ है इससे एसी वोल्टेज प्राप्त होगा, इन्वर्टर जो डीसी से एसी में कन्वर्ट करेगा वो बनाएगा, और ये काला तार और ये लाल तार बैटरी के लिए जा रहे हैं जो हमने यहाँ पर पैरेलल करे हुए हैं। अभी हम इस डीसी करंट नापने वाले टोंगटेस्टर से देखते हैं। ये हॉल इफेक्ट पर काम करता है, डीसी करंट को नाप सकता है ये मीटर। अभी इसमें 7.47 एम्पियर से ये बैटरी चार्ज हो रही है। यदि हम सोलर कनेक्शन और एसी मेंस दोनों को बंद कर दें तो बैटरी डिस्चार्ज मोड में चल जाएगी और यह माइनस का सिंबल आ जाएगा। करिएगा, हमने एसी मेंस और सोलर को बंद कर दिया तो यहाँ ये बैटरी करंट ले रही है, बैटरी से करंट आ रहा है इन्वर्टर में, इसलिए यहाँ पर माइनस का निशान आ गया। तो इस तरह से ये 12 वोल्ट का इन्वर्टर जो है वो काम कर रहा है। यहाँ पर नीचे ये 24 वोल्ट वाला इन्वर्टर मॉड्यूल काम कर रहा है। यहाँ पर ये जो है सोलर के तार आ रहे हैं लाल और काले, और ये डायरेक्ट डीसी लोड हम यहाँ से देंगे, और ये मोटा लाल तार और काला तार बैटरी में जा रहा है। ये यहाँ हमने बैटरी को सीरीज में जोड़ा हुआ है और यहाँ से हम डायरेक्ट एसी वोल्टेज जो है वो लेंगे। अब यहाँ जो हमने, इससे तो हमने डीसी का लोड लिया हुआ है और इससे डीसी का लोड लिया हुआ, यहाँ से एसी का लोड लिया हुआ, वो यहाँ पर आ रहे हैं। ये जो पाइप जा रहा है यहाँ से डीसी लोड है, डीसी लोड से जो है हम एलईडी जला सकते हैं और पंखा भी चला सकते हैं।
जबकि यहाँ से एसी लोड है, इस एसी लोड से जो है आप देख सकते हैं सीएफएल और एलई बल्ब 230 वोल्ट वाले प्रयोग किए गए। इकोनॉमिक यहाँ जो है हाइब्रिड सोलर होम सिस्टम का जो है सर्किट डायग्राम दिया है, सोलर से भी बिजली आ रही है और ग्रिड से भी बिजली आ रही है। ये दोनों बिजली जो है इन्वर्टर में चली गई, बैटरी लगी हुई है यहाँ पर, और इस इन्वर्टर से दो तरह की बिजली हमें प्राप्त हो रही है, डीसी बिजली से डीसी का लोड और एसी बिजली से एसी का लोड कनेक्ट किया गया है। ये जो है डीसी माइक्रो ग्रिड सिस्टम है, जहाँ गांव में बिजली नहीं होती, दूर दराज में वहाँ जो है कुछ घरों को बिजली सप्लाई देने के लिए ये ग्रिड काम में लिया जाता है। यहाँ पर जो है सोलर पैनल से जो है सीरीज में लगा के सोलर पैनल को 240 वोल्ट डीसी जो है यहाँ लिया जाता है। ये एमसीबी डीसी की एमसीबी होती है, जिसमें जो है एरो का निशान के अनुसार ही प्लस माइनस के कनेक्शन को लगाना चाहिए। सोलर पैनल से जो डीसी आई वो यहाँ से होके चार्ज कंट्रोलर में जाती है, चार्ज कंट्रोलर में जाती है। ये चार्ज कंट्रोलर जो है वो बैटरी को चार्ज करता है, नीचे कनेक्शन बैटरी में चले गए, यहाँ बैटरी में ये जो है कनेक्शन चार्ज कंट्रोलर से आ गए। और इस चार्ज कंट्रोलर से जो है ये पॉइंट जो है वो डीसी आउटपुट है, जिससे 12 वोल्ट डीसी प्राप्त हो जाता है और सेल फोन को चार्ज करने के लिए भी यहाँ पर एक पोर्ट बना हुआ है, यूएसबी पोर्ट, जिससे मोबाइल चार्ज किया जा सकता है। तो ये चार्ज कंट्रोलर जो है ग्रिड में लगाए हुए हैं और बैटरी भी अत्यधिक मात्रा में लगाई गई है। कंट्रोलर से चार्ज कंट्रोलर से जो डीसी का हमने कनेक्शन लिया है, इससे हम जो है लोड को ऑन करते हैं। क्योंकि अभी इस बैटरी का वोल्टेज जो है 3.9 हो गया, तो चार्ज कंट्रोलर का काम है कि एक निश्चित वोल्टेज से कम होने पर ये उसको डिसकनेक्ट कर देता है, इसलिए जो है डीसी लोड अभी चल नहीं पाया। डीसी माइक्रो ग्रिड सिस्टम, इसका जो है कनेक्शन डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। ये जो है सोलर पैनल पर सूरज की रोशनी है और ये जो है कंट्रोलर है, और इस कंट्रोलर के बाद में डीसी सप्लाई जो है गांव में दे दी गई है। अब इसके बाद में हम सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के बारे में देख रहे हैं। इसमें जो है सोलर पैनल से 300 वोल्ट डीसी आ रहा है और ये जो इन्वर्टर या इसको हम वीएफडी बोलते हैं, ये डीसी को एसी में बदलता है 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी, और तीन फेज या एक फेज जैसा भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसका, उस तरह का हम इन्वर्टर प्रयोग करते हैं। और उससे आउटपुट जो आई वो थ्री फेज 110 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज की आई, जिससे हम 1 HP की मोटर चलाते हैं। 1 HP की मोटर जो है वो यहाँ पर लगी हुई है और ये पानी के टैंक हैं जिनसे जो है पानी लिया और आगे फेंका के बताया गया। ये जो है सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम का जो है सर्किट डायग्राम बताया गया। सोलर पैनल से लाइट आई और ये जो है वीएफडी में चली गई और वीएफडी से निकल के पंप चल रहा है, और ये नीचे का टैंक है, ये ऊपर का टैंक है। ये एसी माइक्रो ग्रिड सोलर सिस्टम है, इसमें जो है जो सोलर से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम एसी में बदल देते हैं और उससे सीधे एसी डिवाइस को हम चलाते हैं। यहाँ जो है सोलर से 122 वोल्ट या 120 वोल्ट डीसी प्राप्त होते हैं, आइसोलेटर में आते हैं। आइसोलेटर में हम यहाँ दिखाना चाहेंगे कि ये लाल तार और ये काला तार है, इसमें एरो का निशान ऊपर है। ये डीसी की एमसीबी होती है, इसमें हमें विशेष ध्यान रखना है कि प्लस को एरो जिधर जा रहा है वहीं कनेक्शन करना चाहिए और माइनस को रिटर्न करंट की तरफ कनेक्शन करना चाहिए। यहाँ से जो डीसी आई, ये डीसी जो है इस एमपीपीटी में जाती है। इस एमपीपीटी से जो है यहाँ बैटरी लगी हुई है और यहीं से केबल, इस इन्वर्टर सिस्टम में चली गई। यहाँ इन्वर्टर में ये एसी आउटपुट है
ये एसी इनपुट है और ये बैटरी के कनेक्शन है। तो इस इन्वर्टर में बैटरी से बिजली आ रही है, एसी से बिजली आ रही है और जो ये एसी बनाएगा वो यहाँ पर आ रही है ग्रिड के लिए। ये ग्रिड की बिजली जो है वो यहाँ बस बार में दे दी हमने, बस बार में यहाँ ये इन्वर्टर से बिजली आई और ये जो है लोड को जा रही है। ये बस बार है, ये लोड का जो केबल है वो हमने लोड को आगे भेज देते हैं। इस केबल से, बस बार से जो केबल आई वो केबल हमने यहाँ दे दी, यहाँ से होती हुई ये स्विच में आई और ये एसी लोड है फॉर एसी ग्रिड। यहाँ पर जो है हम एसी का लोड प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो है एसी ग्रिड से जो है बिजली प्राप्त हो गई, वहीं से ये एसी ग्रिड में फिर आ गई। तो इस तरह से हम सोलर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। देखिए।